अगली खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है, जहां भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया है। सम्मान कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम उनको याद कर रहे हैं जिसके बलिदान के चलते हम यहां पर खड़े हुए हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था और समाज के हर वर्ग की इसमें हिस्सेदारी रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनके बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान ने सभी वर्गों का हित किया था। युवा शक्ति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सोचना होगा कि हमारा भारत कैसा हो। तो इस वक्त ये खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगली खबर बरसिया से मिल रही है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। गांव के ही रहने वाले एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बैरसिया थाने के हिनोतिया पिरान गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की खबर बैरसिया से मिल रही है, जहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ उसी के गांव में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की संगीन वारदात को अंजाम दिया। बैरसिया थाने के हिनोतिया पिरान गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।